अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू? आई एम फाइन हियर एंड होप दैट यू विल बी फाइन एट योर होम. या द टॉपिक दैट विल वी डिस्कस टुडे इज टेरोसीडा और फर्न प्लांट्स. टेरोसीडा बिकॉज द टेरोसीडा मीनिंग फर्न प्लांट्स. टेरोसीडा is a group of the plants that is well developed, having true roots, having true stem, branches, leaves, simple leaves, compound leaves, pinnately compound leaves. This group includes small plants as well as large plants, and it is supposed that this group of the plants is not evolved from the Stenocoeda. This group is evolved. Actually, it is from scientific point of view believed that this group is evolved from Coelocoeda, and they appeared at the earth at a geological period called Devonian period, and they become most well developed at the Carboniferous period. बेटा ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड है ये डेवोनियन पीरियड है. ये जो पीरियड्स होना ये जियोलॉजिकल पीरियड्स है. तो जो कार्बोनिफेरस पीरियड है या जो डेवोनियन पीरियड है ये जियोलॉजिकल पीरियड्स है. तो हने की जो डेवलपमेंट थिया है ओरिजिन थिया है वो ओरिजिन जो का ऐसा थिया है फ्रॉम द या इवोल्यूशन थिया है फ्रॉम द सीलोसीडा. एंड वे डेवोनियन पीरियड में धरती ते जाहिर थिया ए वधिक जका डेवलपमेंट वरताऊं वो डेवलपमेंट हन वरती आहे कैडे पीरियड में कार्बोनिफेरस पीरियड में. जी हन ग्रुप सां ताल्लुक रखंदड़ सभी जके प्लांट्स हन वेल डेवलप्ड हन. उनन के प्राइमरी ग्रोथ भी आहे माना हाइट इंक्रीज थींदा उनन में. सेकेंडरी ग्रोथ आहे छो त कैम्बियम वगैरह आहे. सभी ऑल बॉडी पार्ट्स वेल डेवलप्ड आहिनि. तारफ समझ में अची वो हलो. बेटा ही जेके फर्न प्लांट्स हैं उन्हें जेका रिप्रोडक्टिव साइकिल आहे या इन्हें जी जेका लाइफ साइकिल आहे उनके डिस्कस कंदासी. एंड ही जेको ग्रुप आहे इनके हाँ साफ कजे लाइफ साइकिल ऑफ फर्न प्लांट्स. लाइफ साइकिल ऑफ फर्न प्लांट्स. बाबरा लाइफ साइकिल माना रिप्रोडक्टिव साइकिल. ऐं याद रहे लाइफ साइकिल जे कहने जी आहे वह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सा कंप्लीट थी दिया माना अंडरगोइंग टू फेजेस. हिकड़ो फेज आहे लाइफ साइकिल जो असेक्सुअल यानी स्पोरोफाइटिक एंड जो आहे गैमेटोफाइटिक माना सेक्सुअल फेज. द लाइफ साइकिल जो पासो बिन फेज में हने जो एकड़ो कैरेक्टर एड़ो आहे जो को बिन वैस्कुलर प्लांट्स में ना है वो केड़ो आ छो त पान जे के पोइते ग्रुप पढ़िया उनन में यो हुंदो आहे त उनन जो जो को गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट थी दो आहे वो माइक्रोस्कोपिक हुंदो आ डिपेंडेंट हुंदो आहे पांजे पेरेंट स्पोरोफाइट ते. माना धरती ते या सॉइल ते डेवलप न थींदो आहे. नॉन ग्रीन आहे स्पोरोफाइट ते डिपेंडेंट आ. पर ही जो को ग्रुप आहे फर्न प्लांट्स वारो उनन जो एकड़ो बियो डिस्टिंग्विशन कैरेक्टर आ माना अलग सा एकड़ो सेपरेट कैरेक्टर आहे वो केड़ो कैरेक्टर आहे के दीस प्लांट्स हैव बोथ द ग्रीन ऑटोट्रॉफिक जनरेशंस. इनन में बई जनरेशन जे को हुंदियूं वो ग्रीन ऐं ऑटोट्रॉफिक आहिनि. मतलब स्पोरोफाइट द हुई भी ग्रीन ऑटोट्रॉफिक आहे ऐं अलग जे को आहे सो सॉइल दैट दे सपोज ही कुड़ो प्लांट आहे जंहिं खे तव्हां स्पोरोफाइट चओ. हे स्पोरोफाइट प्लांट आहे. ठीकु आहे हे स्पोरोफाइट आहे. इन स्पोरोफाइट इहो बि सॉइल ते आहे त हिन जो जेको गैमेटोफाइट ईंदो उहो बि सॉइल ते डेवलप थींदो. उहो सॉइल ते डेवलप थींदो एंड ग्रीन ऑटोट्रॉफिक आहे विद रिजॉइड्स मोर आर लेस रिजेम्बलिंग विद हार्ट हार्ट शेप. इहो हिन जो गैमेटोफाइट आहे. छा आहे गैमेटोफाइट?
माना गैमेट प्रोडक्शन एंड ही ने जो बूटो जो को है वो आए स्पोरो हेडसन बताना है जे या है एस पी ओ आर ओ पी एच वाई टी स्पोरोफाइट माने स्पोर पर आता है गैमेटोफाइट वही के कैन से ही ने जो पर विजिबल है दिसना में दो अलग दिसना ने जो गैमेटोफाइट अलग थी दो एंड ने गैमेटोफाइट के प्रोथेलस से को अच्छा सर को है यो गैमेटोफाइट प्रो थेलस प्रोथेलस है पाबो सर को ही गैमेटोफाइट मोर और लेस हार्ट शेप का ग्रीन ऑटोट्रॉफिक का है माना पई जनरेशन स्पोरोफाइटिक माना सेक्सुअल गैमेटोफाइटिक माना सेक्सुअल जनरेशन सु पई जनरेशन के कहने ने जो वे छाएं वे इंडिपेंडेंट आएं माना डिपेंडेंट ना है कोई ते जीके भी ग्रुप पड़े हैं ब्रायोफाइट समेत उन्हें भी हिकड़ी जनरेशन के का है वह ऑटोट्रॉफिक ग्रीना बी जनरेशन हुन ते ही डेवलप थी दिया आए वेस्कुलर प्लांट्स या जेके भी या चार ग्रुप हैं सिवाय फर्न प्लांट्स है चार ही ग्रुप उन्हें जो जो को गैमेटोफाइट है वो नॉन ग्रीन है माइक्रोस्कोपिक आए जेको पांचे पेरेंट स्पोरोफाइट ते सेमी पैरासाइटिक लाइफ गुजारी हुआ डिपेंडेंट है माइक्रोस्कोपिक आए धरती ते डेवलप न थी दो पर इन फर्न प्लांट्स में स्पोरोफाइट धरती ते आ ग्रुप साइन वगैरह वेल डेवलप्ड प्लांट है पर उन्हें जो को गैमेटोफाइट है जो का प्रोथेलस भी चाहे होता हार्ड शेप जो पता चो ग्रीन ऑटोट्रॉफिक का रिजॉइड्स जन जैसे ये वाटर एंड मिनरल सेल का मतलब ग्रीन है ऑटोट्रॉफिक का पांच जैसा पांच जात है ना ग्रुप का ताल्लुक रखा दर जो के शुरुआती स्पीशीज हुई हूं वे हेटरोस्पोरस हुई हूं हाने जो के स्पीशीज हैं करंट या मॉडर्न स्पीशीज जो के हैं वे होमोस्पोरस हैं हेटरोस्पोरस होमोस्पोरस पॉइंट टॉपिक्स में पॉइंट डिस्कस करे आराम जी बाबा ताने ने जेका लाइफ साइकिल दी शुरू थे मेन प्लांट कड़वा स्पोरोफाइट आए तान जे करे होना स्पोरोफाइटिक खांदा शुरू कर बेटा दी स्पोरोफाइट ऑफ द फर्न प्लांट ड्यूरिंग इट्स असेक्सुअल फेज माना ड्यूरिंग इट्स स्पोरोफाइटिक फेज During its sporophytic phase, it produces modified reproductive branches called astrobili. हिक्का क्या astrobilus? ये भी समझ में आते तो बाबा। तो astrobili या astrobilus हिक्का क्या? वो जगह astrobili होंगे ना? They produce modified reproductive They produce modified reproductive leaves called sporophylls. Modified reproductive leaves called sporophylls. And on the sporophyll, छा पैदा थी ना ये sporangia. पर है तो थोड़ो पर का तो वो आज का sporophyll है sporophyll है जो कहा सा astrobili है एस्ट्रोबिलस से का है उनते जे के स्पोरोफिल्स आयन माना है जे के लीव्स आयन स्पोरोफिल्स उनन स्पोरोफिल्स ते लीव्स ते पैदा स्पोरेंजिया थी ना पर ना हिने ते वरी अदर स्ट्रक्चर्स पैदा थी ये देखा रियो उनन ते पैदा थी न्यू न्यू कड़ी स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड सॉरी हिने ते सॉरी हर एक वरी सोरस ते स्पोरोफिल थोड़ो फर्क कियो हुन त हिया लना हूं तो बाबा कोई जो को पढ़ी आऊं तो एस्ट्रोबिली पैदा थी मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस उनन ते जो पास हो मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स स्पोरोफिल्स ते पैदा थी न स्पोरेंजिया जन जन अंदर स्पोर पर हेते थोड़ो फर्क है कोनो बोलो से नो हो जाए तो ऑन द स्पोरोफिल्स अदर रिप्रोडक्टिव है स्पोरोफिल आई सपोज जेकर है मुझे कैमरा में दिखा रहे तो सके ही सपोज एक ऐसा मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव लीफ है ना माना ही स्पोरोफिला सपोज ही स्पोरोफिला अगर हम जो कैमरा मैन जूम कर लेकर तो सके थे तो ताकि दिखने में नहीं सपोज ही जो पास हो ही सही छा है या है एस्ट्रोबिलस है एस्ट्रोबिलस से जो कैसे लीव्स पैदा थिंदा यानी स्पोरोफिल्स हर एक स्पोरोफिल ते हम स्पोरेंजिया जो है ते को फर्क आए तो उन ते वरी न्यू एकड़ी स्ट्रक्चर जो पैदा थन ही सपोज एक पास एकड़ी सोरस पैदा थिया क्या पैदा थिया है सोरस
हिकक है जब मैं सॉरी हर एक स्पोरोफाइट ते कैथरी सॉरी पैदा थी एस आ रहा है भाई सॉरी आयाने इन सोरस ते जो पाए सो पैदा थी स्पोरेंजियम जन के अंदर पैदा थींदा स्पोर्स तो बाबा ही एस्ट्रोबिला सा सही स्ट्रक्चर हन ते जे के लीव्स डेवलप थान ये चाइन ये स्पोरोफिल्स स्पोरोफिल ते वरी जो पासो सॉरी आय हर एक सोरस ते वरी कैथरी हुई स्पोरेंजिया आय हर एक स्पोरेंजियम में स्पोर्स आय ही जका स्पोरोफिल सॉरी है इन ते स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजियम में ही मथो कैप्सूल ने डडी डांडिया उन डांडी के छा चंदा हो उन डांडी के स्पोरेंजियो फोर चंदा सी त स्पोरोफिल्स उन ते छा पैदा थू सॉरी हर एक सोरस ते पैदा थी न्यू स्पोरेंजिया एंड हर एक स्पोरेंजियम जे का है ध्यान दे जो हाँ इतने कैमरा मैन मुझे दिखाई दो ये जो कहा था स्पोरेंजियम है जहाँ के शॉर्ट स्टॉक भी आए वह स्टॉक माना टांडी के कहे वह छा सर भी स्पोरेंजियो फोर ओ ही वाली अगर कैमरा मैन मुझे दिखा रहे तो संकेत एस स्पोरेंजियो फोर यरोस्तान जो लाइन होना है डांडी आया स्पोरेंजियो फोर यह गला स्पोरोफिल जे का है माफ कंदा ये जे का स्पोरेंजियम है इन स्पोरेंजियम छाते डेवलप किया स्पोरोफिल ते नो सोरस ते वरी सोरी जे कहन हुए स्पोरोफिल ते ठीक है बाबा हने ये जे का सा चाहे ये स्पोरेंजियम आ जन शॉर्ट स्टॉक स्पोरेंजियो फोर आई मध्यम सोरी इन जो का कैप्सूल इन जा ब लेयर सुना नो इन जे अंदर ठांदा ते स्पोर्स पर हने जा ब लेयर सुना है जेकर हम जो कैमरा में देखा रखो सके तो बाहरों या आउटर लेयर जो को आए बाहरों या आउटर लेयर वो एन्यूलस एन्यूलस ए डबल एन यू एल यू एस सेंसर में तो मुझे कैमरा में देखा रखो तो तुम कहे है एन्यूलस पर अंदर जो को आए वो ही वाला अंदर हाँ वो ही वाला वो स्ट्रोमियम क्या सर को आए स्ट्रोमियम स्ट्रोमियम इन स्पोरेंजियम जो को कैप्सूल आहे इन जो बाहर लेयर एन्यूलस अंदर जो पास स्ट्रोमियम आए बरा रही है चाहे हियर स्पोरो स्पोरेंजियम आहे इन जे अंदर असल में तो स्पोरोसाइट होना है हर एक स्पोरोसाइट बना स्पोर प्रोड्यूसिंग मदर सेल उन स्पोरो साइट हर एक जो पास हो चार निशान में रहे वो आठ निशान में या सोलह निशान में रहे क्यों तो आए मना हर एक सेल जो पास स्पोरोसाइट आए इस पर प्रोड्यूसिंग मदर सेल वो पैदा कर दो है अठ या सोलह स्पोर्स एंड अदर तरीके से है ना स्पोरेंजियम के अंदर हजारे थाउजेंड सब स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंड जब हम मेच करती हैं ये तब वो जो पास है बाहर निकली इंदा स्पोर्स ठीक है बेटा ये जो को फार्म प्लांट है यो होमोस्पोरस माना सब ही का साइज है यो माइक्रोस्पोर है मेगास्पोर और पोच करना है दिसी रहे हो हे जूम करे तो ये जो को है ये स्पोर्स रिलीज सीधा जब है ना प्लांट में स्पोर रिलीज था तो हर एक स्पोर जो को हम गए वो आने ना पाजे पेरेंट प्लांट यानी स्पोरोफाइट ते ना धरती ते शिफ्ट थी दो स्पोर जर्मिनेट थी दो फुटा दो आए वो जर्मिनेट थो फुटंदो त नए किस्म जो हिकड़ो जो पासो न प्लांट ईंदो आए वो नए किस्म वारो प्लांट जर्मिनेट थी करे मोर आर लेस हार्ड शेप्ड हुंदो आए उन खे चवंदा सी गैमेटोफाइट प्रोथेलस है प्रोथेलस में गैमेटोफाइट है एंड यो बायसेक्सुअल हुंदो है छा हुंदो है बायसेक्सुअल माना भाई आर्किगोना मैन थ्री डम पैदा कर दो ये आर्किगोना एंड थ्री डाचन ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं माना इन ते जो पाया सो एंड थ्री डियाब इन ते पैदा थी था आर्किगोना इन ते ही पैदा थी माना ये बायसेक्सुअल छोटा जेकर हैं
स्पोरोफाइट होमोस्पोरस होंदो आहे तो उन्हें भी नेक्स्ट जनरेशन माना गैमेटोफाइट और बायसेक्सुअल होंदो आहे माना आर्किगोनमेट एंड थ्रीडम बई पैदा करो पर जेकर स्पोरोफाइट हेटरोस्पोरस थींदो आहे तो छा थींदो आहे उन्हें जो अलग अलग जनरेशन होंदी मेल गैमेटोफाइट अलग फीमेल गैमेटोफाइट अलग मेल गैमेटोफाइट जो होंदो आहे माइक्रोस्पोर में पैदा थींदो एंड फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर में पैदा थींदो आहे आए ओ यूनिसेक्सुअल होंदा माने जेकडा गैमेट स्पोरोफाइट जेकर स्पोरोफाइट हेटरोस्पोरस आ त ब अलग अलग सेपरेट प्लांट पैदा थींदा मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट हर एक जो होंदो यूनिसेक्सुअल होंदो पर जेकर स्पोरोफाइट होमोस्पोरस होंदो त उन जी नेक्स्ट जनरेशन जेका आहे सिर्फ एक किस्म जा प्लांट पैदा थींदा गैमेटोफाइट्स एक किस्म जा ऐं हर एक बायसेक्सुअल होंदो आहे माना हर एक वटि सलाहत आहे त मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना एंथ्रीडियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना आर्किगोनियम पैदा कंदो त ही जेको प्लांट आहे न जो नेक्स्ट जनरेशन माना स्पोरोफाइट मां गैमेटोफाइट उहो न पंहिंजे प्लांट ते डेवलप नथो थिए ॿिया जेके ग्रुप आहिनि प्लांट ते डेवलप थींदा आहिनि स्पोरोफाइट ते पर हिन में ई न आहे हिन जो जेको गैमेटोफाइट आहे उहो बि ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक आहे ऐं छा इंडिपेंडेंट आहे डिपेंडेंट आहे हाणे क्वेश्चन जो तेराइस ते ही जेको प्रोथेरस आहे या हार्ट जे अंदरि गैमेटोफाइट जेको आहे ऐं जेको बायसेक्सुअल बि आहे इहो अलॻि हुजणु पंहिंजे पेरेंट खां इंडिपेंडेंट डिपेंड न करे सॉइल ते डेवलप थिए ग्रीन ऑटोट्रॉफिक हुजण बि सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे पर इहा शइ हिन लाइ माइनस पॉइंट साबित थी भई इंडिपेंडेंट हुजण त सुठी ॻाल्हि आहे तो वो हिनन ग्रुप याने फर प्लांट जेला या जे कासा छा थी या माइनस जे कासा गाल थी माना हिनन जे हक में ना है यू छो इन सबब जे करे तनन जो जो गैमेटोफाइट आ वो ग्रीन ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट आ या अलग सेपरेट तो डेवलप थे सवाल थे यू ही सबब आ हिनन जे नस्ल जे घट की वणन यू वर छो यो इन जे करे हिन जो को गैमेटोफाइट आ है वो सेपरेट आ उन के जो को है नंडड़ो आ उनके रिजॉइड्स इन रूट्स ना है वो थोड़ी खुश्की भी बर्दाश्त न कर सका दो जो ते रिजॉइड तमाम थोड़ा संडा इलांगेटर को सेलन मध्य जो को 70 सेंटीमीटर जो को डीप पॉइंट सदन था अड़े तरीके से मध्य सरफेस वाले थोड़ो रुगो खुश्क जो हेट भरी के पास जमीन में पानी के भरी हेट गपा हो जाए मध्य थोड़ो छिलको जो को है एकड़े पने जेत्रो जो पासो मचो छिलको थोड़ो सुको हे खत्म थी विंदा जेका हिने जो यो गैमेटोफाइट खत्म त पो चोते गैमेट्स मिली जायगोट एम्ब्रियो ठंदो आहे वरी नव स्पोरोफाइट ठंदो न यो खत्म थी विंदो धने जी बी जनरेशन माना स्पोरोफाइट इन मां डेवलप थनो न वो जो पासो हुंदो ही को तां जे करे अलग होजन सुठी गाल आ पर एबिलिटीज त होजन पाजे पेरेंट का अलग रही करे सर्वाइव त करे सके न तां जे करे इया इन जे ला सुठी गाल नथी हे बई ग्रीन ऑटोट्रॉफिक आन त पोन में असा मेन जनरेशन छा के चवंदा सी स्पोरोफाइट के चवंदा सी इयो छो चवंदा सी भई हे ऑटोट्रॉफिक बाबा हन ऑटोट्रॉफिक का है पर हन वट माहौल जूं एबिलिटीज कोन न जो बर्दाश्त करे माहौल जूं एबिलिटीज आई समझ में वो रूट सो पजेस करे हो वडो मजबूत किस्म का बूटो आहे भली जो पासो बरसात न भी पवन 6 महीना 12 महीना तदा वो जिंदा रह सकंदो हे त कुछ दिन में जो पास वाला के पैरो थी गिंदो तां जे कर उन में एबिलिटीज वधी कहन इयो थी उन खां पो है स्पर्मोसीडा ग्रुप पंजो जो को है स्पर्मो पोसीडा स्पर्मो पोसीडा स्पर्मो पोसीडा माना स्पर्मोसीडा पोसीडा पी साइलेंट जे तमा किनालेट जे न पढंदा आयो हां पढंदा किनाले किनालेट जे चवंदा आयो किनाई जे चवंदा आयो नंबर 5 स्पर्मोसीडा बाबा स्पर्मोसीडा स्पर्मा माना सीड्स माना सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड ये फ्लावरिंग एंड दिस ग्रुप जब हाने मौजूद है डोमिनेंट है धरती पे पर जगह दिसो दा बूटा सब ये स्पर्मोसीडा हैं एंड ये इन धरती पे जो पासो इन जो अजबल जो बान कमाल है वरी अला इन जो भी सवाल ही जो अला छा
तो स्पर्मोसीडा जो है स्पर्मोपसीडा यो जो ग्रुप है स्पर्मोसीडा यो फर्न प्लांट जे टेरो स्पर्मी ग्रुप में आयो टेरो स्पर्मी ग्रुप में आयो बराबर टेरो सीडा में जो पास हो ये वो थिया स्पर्मोसीडा इन प्लांट्स ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं गुल पैदा करने वाला हैं इन्हें के वरी तहां बिन ग्रुपन में विरहायो है इन्हें के कहरन बिन ग्रुपन में तहां विरहायो है हिकरन के तहां एंजियोस्पर्म से होता हो बिन के जेमनो इन्हें बिनी में जहां पहले ग्रुप कहरो है वाल था जेमनो स्पर्म से GYMNO जेमनो स्पर्म ठीक है व्या होता है ना एंजियोस्पर्म एंजियो स्पर्म बेटा हेते जेमनोस्पर्म्स ये बूटा सा लाल करण लायक के में पाइनस प्लांट वगैरह ये तमाम घणा है जेमनोस्पर्म्स ही भी फ्लावरिंग प्लांट्स है एंड ही भी फ्लावरिंग प्लांट्स है माना गुल पैदा करने वाला है द वर्ड जेमनोस्पर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जी वाई एम एन ओ जेमनोस एंड स्पर्मा जेमनोस माना अनकवर्ड नेब नेब स्पर्माना सीड्स मतलब नेब सीड्स जेमनोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स दे प्रोड्यूस नेब सीड्स हैविंग नो फ्रूट इट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ओवरी ओवरी ना है इन जे करे एंजियोस्पर्म ते जो एंजियोस्पर्म इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स द वर्ड एंजियोस्पर्म इज टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स एंजियन एंड स्पर्मा एंजियन माना कप और वेसल और फ्रूट स्पर्मा सीड मतलब द सीड्स विद इन अ कप या वेसल या फ्रूट दीज आर एंजियोस्पर्म्स दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स विद इन फ्रूट या इन साइड द फ्रूट बिकॉज द फीमेल पार्ट फ्लावर जो है यानी कार्पेल उनमें ओवरी भी है थोड़ी डायग्राम ठाहियो ना बाबड़ा हे फ्लावर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां कहे तवां कार्पेल या पिस्टल चवंदा हो हिन जे अंदर हिक आहे का खावदी के जो पास हो ओव्यूल्स थी नै हिन जी चोटी के काम जा अच्छा सर भी आहे स्टिग्मा हिय स्टाइल आहे जो लोअर डायलेटेड पार्ट मनो हेठो वेक्रोस को हिस्सो जो आहे ओवरी आहे एंड ओवरी मजा ठांदो फ्रूट ओवरी मा फ्रूट ही छाइन चार पंज छह ये ओव्यूल्स ओवूल्स ओवूल्स इन्हें मां ठांदा है ना सीड्स हाने जे कर ओवूल्स ना हुंदा त सीड्स ना हुंदा जे बनाना है पाइन एप्पल में ओवरी ना हुंदी त फ्रूट ना हुंदो जे जेमनोस्पर्म में त जेमनोस्पर्म में सीड्स नेट एंड फ्रूट एब्सेंट आ इन्हें जो सबब आ है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ओवरी ओवरी ना हुंदा जे करे अने जे के एंजियोस्पर्म एंड जेमनोस्पर्म उन्हें जी लाइफ साइकिल उन्हें जो फ्लावर उन्हें जी स्टडी इंशाल्लाह जो पास हो पान नेक्स्ट टॉपिक में कंदा सही अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।